अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग। लंपी बीमारी से स्वस्थ होने के बाद गायों को गौशाला में वापस लौटाया जा रहा है, इसी पर कामधेनु सेना के कार्यकर्ताओं ने आइसोलेशन सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा गौवंश की ढंग से देखभाल नहीं की गई है और घाव सहित गौवंश को गौशाला में लौटाया जा रहा है। साथ ही कामधेनु सेना द्वारा प्रशासन से मांग की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएं ताकि ग्रामीणों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सर, अभी आइसोलेशन में कल मैंने जो आइसोलेशन से गायें रिपीट होके गौशालाओं में एडमिट वापस से ट्रांसफ़र करी है, उस गायों को हमारे कामधेनु सेना द्वारा लगातार 4 दिन से ट्रीट किया जा रहा है और कीड़े निकाले जा रहे हैं। उसको कल हमने एक अधिकारी से फ़ोन पे बात करके उनको कहा है कि मैम, ये देखिए कि आप जो गौवंश आपने भेजे हैं उन गौवंशों में कीड़े लगे हुए हैं और कीड़े प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स ने और वहाँ की टीम ने ठीक ढंग से क्लीन नहीं कराया और आज भी घाव एज इट इज़ है। उस गौवंशों को हमने वापस से आइसोलेशन सेंटर भेजा है। कल रात को भी एक नंदी का एक्सीडेंट हो गया था और उसको भी हमने कई बार टोलफा और नगर निगम की एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया है। वो कह रहे हैं कि भैया, ये ग्रामीण क्षेत्र आता है क्या, शहरी क्षेत्रों के लिए गाड़ियां अवेलेबल करा रखी है मैडम ने, या ग्रामीण क्षेत्रों की भी गायें नहीं है। हमारा सवाल ये उठता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गौवंश घायल है उनको कहाँ भिजवाया जाए। ना तो सरपंच लोग इनकी सुध ले रहे हैं, ना ही प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुध ले रहे हैं। मैम और कलेक्टर साहब इतने संवेदनशील होते हुए भी मतलब इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। प्रशासन इतनी दफ़े उनको बोल चुका है कि गांव में आइसोलेशन सेंटर खोल दिया जाए जिनसे इन जो ग्रामीण क्षेत्र के गौवंश हैं उनको न्याय मिल सके। इस दिवाली घर आएगी खुशियां ही खुशियां। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैंड चिमनी की खरीद पर ग्लैंड चूल्हा 10 इयर्स गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री, साथ ही आरओ पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर।